हेलो एवरीबॉडी, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल आर फाइन। आई एम सो सॉरी, मैं थोड़े दिनों से थोड़ा सा एक्टिव नहीं थी, बिकॉज वायरल हो गया था, बैक टू बैक शोज एंड ऑल, हर जगह ट्रैवल कर रही थी, इसलिए स्टोरीज ज्यादा पोस्ट नहीं कर पाई। बट आप सब मेरे परिवार हैं, यू ऑल कैन अंडरस्टैंड। सो तमाम लोगों को मेरा प्यार और प्रणाम। मैं कहना चाह रही थी कि कुछ दिनों से आज का टॉपिक ये है कि कुछ दिनों से बहुत सारे न्यूज वायरल किए जा रहे हैं। कुछ भी चंद यूट्यूबर्स यूट्यूब पर डाल के कि सम एमएमएस इज देयर, कि वो एमएमएस मेरा है, और ऐसा करके उन्होंने सबने शेयर किया है कि वो अक्षरा सिंह का एमएमएस है, अक्षरा सिंह का ये है वो है, हर जगह शेयर किया है चंद पैसे कमाने के लिए, चंद पैसे चंद व्यूज के लिए इन लोगों ने शेयर किया है। और आप जैसे कुछ जो पब्लिक है, कुछ लोग बड़े मासूम होते हैं, कुछ लोग बहुत सी चीजों को सच मान लेते हैं, कई लोग ऐसे भी हैं जो बिना देखे भी हेडलाइन से ही उनको लगता है कि ओ गॉड ऐसा हो गया है। तो ये बेवकूफ बनाने का जरिया है आप लोगों को। आप जैसे लोग, जितने गुणीजन हैं, जितने तमाम ऑडियंस हैं, वो लोग आई थिंक आप सब देख सकते हैं, सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि ऐसे लोग सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने के लिए अपनी माँ बहन बेटी की आबरू को भी नीलाम कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों से सावधान हो जाइए, और आप जैसे लोग, हमारे जैसे लोग मिलकर इन चीजों को रोक लगा सकते हैं, ताकि कल को कोई भी मैं तो छोड़ दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज मैं बहुत हिम्मत वाली हूं। आप लोगों की कृपा से, ईश्वर के आशीर्वाद से, माता पिता के आशीर्वाद से इतनी हिम्मत वाली हूं कि मुझे कोई भी चीज अपने फोकस से, अपने काम से, अपने आम जीवन में मुझे मेंटली कोई हरा नहीं सकता, ना मुझे कोई डगमगा सकता है। सो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आम लड़कियों के लिए ये बहुत बड़ा एक तरीके से उनकी जिंदगी बर्बाद हो सकती है, उनके लिए बहुत घातक हो सकता है, और आप आम लड़कियों के जीवन के साथ खेल सकते हैं अगर आप इस तरीके की कोई भी चीज करते हैं। कल को आपके घर की माँ बहन बेटियां इन चीजों से सफर ना करें, या उन तक ये चीजें ना हो। वो कहते हैं ना कि कर्मा कम्स बैक, जो आप करते हैं वो घूम कर मल्टीप्लाई होकर प्लस 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 होकर आप तक आता है। तो इसलिए मैं चाहती हूं कि कल को आपकी बहनों के साथ, आपकी माता बेटियों के साथ इस तरीके की चीजें ना हो। इसलिए मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगी माता रानी से कि कभी किसी के जीवन में, कभी किसी लड़की के जीवन में इस तरीके की चीजें ना हो, और ना आपके घर वालों के साथ ऐसा कुछ हो। मैं ये प्रार्थना जरूर करूंगी, क्योंकि आई कैन फील दैट बीइंग अ गर्ल, आप जब एक जिस चीज का वास्तविकता से कोई लेना देना ना हो, आप कुछ भी किसी के लिए शेयर कर दो, अच्छा ये फलाना ऐसे कर रही है, फलाना का ये हो गया, फलाना का वो हो गया, आप शेयर तो कर देते हो चंद व्यूज और पैसे के लिए, लेकिन उनके परिवार, उनके घर वाले, उनकी उनके अगल बगल के लोग, उनके फ्रेंड्स, उन लोगों पर क्या बीतती है दिमागी रूप से, क्या आप सोच सकते हैं? आप नहीं सोच सकते हैं। अगर आप सोच नहीं सकते हैं, दैट मीन्स आप इंसान नहीं है। फिर तो आपके लिए सद्बुद्धि मांगूंगी कि ईश्वर, माता रानी, आप लोगों को सद्बुद्धि दे कि आप लोग थोड़ा ग्रो अप हो जाएं, और कमाने का जरिया किसी के इज्जत और आबरू को नीलाम करने से अच्छा आप कमाने का जरिया कुछ और करें, मेहनत से कमाएं, मेहनत से कुछ अपने परिवार के लिए कर जाएं। मैं तो ये ईश्वर से मांगती हूं। और कुछ मीडिया वर्ग के लोग भी हैं, कुछ मीडिया वर्ग के बंधु हैं, क्योंकि मैं तो कलाकार हूं, और आप सब मीडिया कर्मी लोग, आप लोग बड़े ही
बहुत ज्यादा मदद करते हैं एक कलाकार को ग्रो करने के लिए, एक कलाकार को बढ़ाने के लिए आगे। तो मैं उन लोगों से भी ये करना अपील करना चाहती हूँ और आप लोगों से भी एक विनती करना चाहती हूँ कि आप लोग, बड़े न्यूज पोर्टल्स की बात कर रही हूं, बिना किसी हाथ पैर के, बिना सर पैर के कोई भी बात पर भरोसा ना करें। पहले उसके तह तक जांच करें, उस बारे में जांच करें, वेरिफिकेशन करें, दोनों तरफ से वेरिफिकेशन करें। चाहे एक यूट्यूबर्स, कोई एक आम ऐसे ही उठ के यूट्यूबर बन गया और बोलता है अपने आप को कि हम मीडिया वाले हैं, पहले उनसे भी जांच करें और जिनके लिए ये न्यूज वायरल हुआ है उनसे भी जांच करें, उसके बाद कुछ फैसला लें। मुझे ये न्यूज शेयर करना है कि नहीं करना है, इससे ना ऑडियंस को बेवकूफ ना बनाएं। कुछ भी बोल के करके आप ऑडियंस को बेवकूफ ना बनाएं, क्योंकि हमारे जैसी और भी कई लड़कियां हैं जिनको आप सिर्फ ऐसे न्यूज करके, ऐसे कुछ करके आप उनकी जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं। मत करिए, बिल्कुल मत करिए, ये उचित नहीं है, ये शोभा नहीं देता। और ऐसा नहीं है कि मैं इस पे एक्शन नहीं ले सकती हूं, ऐसे काम है, चुटकी का काम है, एक्शन लेना चुटकी का काम है, टाइम नहीं लगेगा। लेकिन हम लोगों को भी ऐसा लगता है कि क्या यार, अपना काम धाम छोड़ के जहां आप शूटिंग कर रहे हैं, जहां आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उसको छोड़ के हम केस करें, हम इन सब चीजों में पड़े, उससे नेगेटिविटी आती है। तो नेगेटिविटी लेने से अच्छा है कि मैं अपने काम पर फोकस करूं। बट ऐसा नहीं है कि हम लाचार हैं, हम अगर वो स्टेप नहीं उठा रहे हैं तो हम लाचार नहीं है। एक सेकेंड लगेगा, एक डेफेमेशन का केस जाएगा और आप सब जितने यूट्यूबर्स हैं सब का ये जो है ना, ये क्या, सब चीज बंद हो जाएगा। पर वो करके क्या मतलब है मुझे, इसलिए मैं चाहती हूं कि आप लोग सतर्क हो जाएं और आगे से इस तरीके की चीजें अगर आप करें तो 10 बार सोचें। मेरे लिए नहीं, और लड़कियों के लिए, अगर और किसी भी एक्ट्रेसेस के लिए या किसी भी लड़की के लिए आप इस तरीके की चीजें कर रहे हैं जो बेबुनियाद है, जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, जिस बात में कोई सच्चाई ना हो, उसको ना करें, बिल्कुल ना करें। नहीं तो केस होगा, उसके बाद क्या होगा आप लोग बेहतर जानते हैं। किसी को बेवकूफ ना समझे। थैंक यू वेरी मच। बाकी संजू बाबा, जाहिद खान, थैंक यू वेरी मच, ब्रजेश तिवारी जी, थैंक यू, आप सब समाज के जितने भी इस वक्त मेरे से जुड़े हैं, जितने पढ़े लिखे लोग हैं, जितने सेंसिबल लोग हैं जो इन चीजों को समझ रहे हैं या मेरी बातों को समझ पा रहे हैं, आप लोग जरूर इन चीजों के खिलाफ खड़े होइए और मेरे लिए मत खड़े होइए, अपने समाज के लिए, अपने घर परिवार के लिए, अपने समाज की लड़कियों के लिए, मां बहन बेटियों के लिए खड़े होइए। मुझे तो फर्क नहीं पड़ेगा, मैं कह रही हूं, मैं यहां ना कलेजा लेके पैदा हुई हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा और मुझे मेंटली कोई हरा नहीं सकता है। एक बात याद रखना, आप लोग कुछ भी मेरे लिए न्यूज छाप दो, कुछ भी बोल दो, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे औरों जैसा मत समझना, आई एम वेरी स्ट्रांग। और आम लड़कियों को भी डराने की कोशिश मत करना अपने इन हरकतों से, ये जो टुच्चागिरी है ना, ये टुच्चागिरी मत करना, नहीं तो जाएंगे आप लोग अंदर। कृपया करके इन चीजों पे थोड़ा सा अंकुश लगाएं, सोचें और माता रानी से एक बार फिर से प्रार्थना है कि आप सभी लोगों को सद्बुद्धि मिले, ताकि आप किसी की बहन बेटी, किसी की मां बेटी बहन का इस तरीके से इज्जत ना उछाल पाए, आप लोगों को सद्बुद्धि मिले। नहीं तो ये ना ऐसे प्लस 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 होके आप तक भी आ सकता है, इसलिए सतर्क रहें, दिमाग लगाएं, बेवकूफों बुद्धि से काम लो, पैसा कमाने के लिए मेहनत करो। धन्यवाद, जय माता दी।